बीते दिनों रेलवे ड्राइवर पर हुए हमले के दोषियों को गिरफ्तार न करने के रोष प्रूफ। फिरोजपुर डिवीजन में पड़ते फिरोजपुर, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, हुशियारपुर और पठानकोट से पहुंचे सैकड़ों रेलवे ड्राइवरों ने जलंधर के जीआरपी थाने के बाहर धरना देकर रोष प्रदर्शन किया। रेलवे के ड्राइवरों द्वारा मारपीट के दोषियों पर कोई कार्रवाई न होने के कारण ये कदम उठाया गया। इस बारे यही है जो लीडर यूनियन के लीडर बड़े बड़े जिन्हें भी डिवीजन दे वो यो मंग करते भी ये इन्हों गिरफ़्तार किया जाए। जो यो हाल रहा तो कौन ड्राइवरी करेगा, कौन रेल की नौकरी करेगा, जेडे कले कले मुलाजम आ गेटा ते कि आ जोड़ा आदमी जिदा जी करेगा जिते मार के मर्जी छुट जाए तो फिर तो कोई सेफ्टी नहीं ना रेल की। 20 जनवरी तो पहलों पहलों अं कोई एक्शन करा एक्शन जरा वा वो जिम्मेवारी सरकार से होगी और ट्रेन वर्किंग दे भी जी अं बंद भी कर सकते हैं। ये प्रशासन अच्छी साड़ी चेतावनी आ, रेल के प्रशासन में ही कहना चाहते हैं DRM साहब न भी वो इन्हों के उच्च अधिकारी जोड़े आ पुलिस प्रशासन के उन्होंने गलबात करके ते साथियों जरा वो इंसाफ दवाया जाए। उधर इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि ड्राइवर प्यारा सिंह के बयानों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश भी जारी है। जो असी यदि तफ्तीश कर रहे हैं परंतु यह है इस दे विच जिहड़े बंदे अननोन ने इस करके इन्हों का थोड़ा जिहा जल्दी गिरफ्तार करन दे विच थोड़ी जी मुश्किल आ रही है। परंतु फिर मैं उस टाइम का रात के टाइम का डंप भी लिया मोबाइल का, अगर वो बंदियां दी लिस्ट मंगवा ली है उन्होंने असी शामिल तफ्तीश करके ड्राइवर कोलों शनाख्त करवावांगे ते जिहड़े भी बंदे दोषी होणगे उन्होंने अही बिना देरी तो जल्दी गिरफ्तार करांगे। फाजिलका से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।